वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज ये टॉप 10 करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी आज हमने ये जनवरी 2021 के 1 से लेकर 11 तारीख तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। जनवरी 2021 के 1st to 11th इस डेट का कलेक्शन है ये करंट अफेयर्स का। तो पेट के एग्ज़ाम के लिए जनवरी से लेकर मई जून तक के करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं 2021 में, और 2020 के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले हम लोग जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य को केंद्र सरकार ने अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है। आइए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड। अभी नागालैंड को अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है केंद्र सरकार ने। तो अफस्पा के बारे में जान लेते हैं। अफस्पा एक स्पेशल एक्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप लोग, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में, तो फुल फॉर्म भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके तहत जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है किसी भी राज्य को। तो नागालैंड को अभी 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आइए नागालैंड के बारे में कुछ देखते हैं। उत्तर है इसका नागालैंड। भारत के नागालैंड राज्य को केंद्र सरकार ने अफस्पा के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है, इसीलिए इसको अभी शांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, और गवर्नर हैं यहाँ के RN रवि। इतना नागालैंड के बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग। अफस्पा के बारे में मैंने बता दिया है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, ये है क्वेश्चन। फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स के जनवरी 2021 के अभ्यास स्काई रॉस को अंजाम देने की योजना कहाँ बनाई गई थी? यानी कि ये जो एक्सरसाइज है स्काई रॉस, इसको कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोधपुर राजस्थान में। इस एक्सरसाइज को स्काई रॉस जो एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस की, इसको अंजाम दिया गया है, मतलब इसको आयोजित किया गया था जोधपुर राजस्थान में। आइए देखते हैं कुछ और बातें। आंसर इसका जोधपुर राजस्थान है। चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष के बीच एक प्रमुख विकास में भारत और फ्रांस के राफेल लड़ाकू जेट अगले साल 2021 जनवरी के तीसरे सप्ताह में जोधपुर में अभ्यास स्काई रॉस नामित कोड से युद्ध खेल को अंजाम देंगे। यानी कि अभी जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में ये हुआ है, स्काई रॉस नाम की जो एक्सरसाइज है इसमें इसको जो है आयोजित किया गया है जोधपुर राजस्थान में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। राफेल आए हैं भारत में फ्रांस से, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2021 तक एशियाई विकास बैंक ADB के कितने देश सदस्य हैं? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 68 देश इसके सदस्य बन गए हैं ADB के। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी, और ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है ADB का, और इसमें 68 देश इसके सदस्य बन गए हैं अभी, और 1966 में स्थापना हुई थी। आइए आगे देखते हैं कुछ और बातें। जनवरी 2021 तक एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्यों के रूप में 68 देश हैं। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब ADB के पास 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक जोन से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। यानी कि ADB की जब स्थापना हुई थी 1966 में, तब 31 सदस्य थे इसमें,
लेकिन अभी एडीबी के पास 68 सदस्य हो गए हैं और जिसमें से 49 जो हैं वो एशिया और पैसिफिक जोन से हैं और बाकी 19 सदस्य बाहरी से हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने चक्रवात प्रभावित किस देश को हाल ही में राहत सामग्री भेजी है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिजी। फिजी में अभी चक्रवात आया था, यास नाम का चक्रवात आया था, तो वहाँ पे अभी भारत ने राहत सामग्री भेजी है। तो फिजी के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। फिजी, भारत ने चक्रवात प्रभावित फिजी को हाल ही में राहत सामग्री भेजी है। फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, यह देश श्रेणी 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात यास से प्रभावित हुआ था। यास नाम का चक्रवात आया था यहाँ पे फिजी में, तो फिजी को अभी भारत ने राहत सामग्री भेजी है। फिजी की राजधानी, फिजी की कैपिटल है सुवा। फिजी की राजधानी है सुवा और फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। फिजियन डॉलर है यहाँ की करेंसी और फिजी की राजधानी सुवा है। कैपिटल और करेंसी भी ध्यान रखिएगा। फिजी में अभी चक्रवात आया था तो यहाँ पे राहत सामग्री भेजी है भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश की महिलाओं के लिए मलाला यूसुफ जई अधिनियम पारित किया है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। आइए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तानी। पाकिस्तानी महिलाओं के लिए अभी मलाला यूसुफ जई अधिनियम पारित किया है अमेरिका ने। तो आइए कुछ और बातें देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफ जई अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के तहत 2020 और 22 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कॉलरशिप योजना है ये, तो अमेरिका ने शुरू किया है ये पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफ जई अधिनियम। मलाला यूसुफ जई जो हैं ये पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की ये एक महिला हैं। इनको जो है 17 वर्ष की उम्र में 2014 में इनको शांति का नोबेल मिला हुआ है। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला हैं ये अब तक की। 2014 में इनको मिला है शांति का नोबेल 17 वर्ष की उम्र में। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे कम उम्र में नोबेल पाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो इन्हीं के नाम पे अभी अमेरिका ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, मलाला यूसुफ जई योजना। इसमें 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 1901 के बाद से 2020 को कौन सा सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। आइए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आठवां सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया है 1901 के बाद से 2020 को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। कुछ और बातें देखते हैं इसके बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 1901 के बाद से 2020 को आठवां सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया है, लेकिन वर्ष 2016 की सबसे अधिक गर्मी की तुलना में यह काफ़ी कम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1901 में देश भर के रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई थी, यानी कि 1901 से ये रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है और उस हिसाब से 2020 जो है ये आठवां सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40वां वैज्ञानिक अभियान। अभी अंटार्कटिका महाद्वीप में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है भारत ने। देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के दौरान दक्षिणी वाइट कॉन्टिनेंट यानी कि श्वेत महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिक प्रयास के 4 दशक भी पूरे हुए हैं। यह अभियान यात्रा 43 सदस्यों के साथ 5 जनवरी को गोवा से रवाना हुई है। तो अभी 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप में, भारत ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, निम्न में से किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक दल का गठन किया गया है? आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। चलिए इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यमुना। यमुना नदी में अभी अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक दल का गठन किया गया है। देखते हैं कुछ और बातें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया है। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति HSPCB, दिल्ली जल और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की है। यानी कि यमुना में अभी अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक दल का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, 5 सेकंड है आप लोग के पास। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 जनवरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक होता है विश्व हिंदी दिवस और एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट में बताइए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं कल बताऊंगी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में देख लेते हैं क्या है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीयों के लिए बेहद खास होता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को, और इसको इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी तो इन्होंने ही उद्घाटन किया था। तब से जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं कल बात करूंगी उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? फतेह 1, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान ने गाइडेड मल्टी मॉडल लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है। फतेह 1 का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। देखते हैं कुछ और बातें। सॉरी, तो पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। फतेह 1 हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार फतेह 1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है। तो अभी पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है, फतेह 1 नाम की मिसाइल का ये रॉकेट सिस्टम है, इसको लॉन्च किया है पाकिस्तान ने। ये आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।